Unscramble. So, अगर आप क्यूबिंग में इंटरेस्टेड हैं या आपने अभी अभी नई नई क्यूबिंग स्टार्ट की है तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि हमें एज अ क्यूबर पता होनी चाहिए और वही चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी. और मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, आई नीड योर सजेशंस, जो कि मैं वीडियो के एंड में पूछ लूंगी. सो फिलहाल के लिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. तो वैसे तो इस क्यूब को हम बहुत डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ मेथड्स हैं जो कि वाइडली पॉपुलर हैं. उनमें से जो मुझे पता है वो है बिगनर्स मेथड, जिसे हम लेयर बाय लेयर मेथड भी बोलते हैं, देन कॉर्नर्स फर्स्ट मेथड, सी फॉक, प्रो, सीजी, ओल्ड पॉकमैन, वाटरमैन्स मेथड एंड पेट्रस मेथड. अब इनमें से जो स्पीड सॉल्विंग के लिए ज्यादा यूज होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो टॉप क्यूबर्स में फेमस हैं या यूजुअली हम लोग भी यूज करते हैं, वो है सी फॉक एंड रो. उसके अलावा जीजी जो है वो वन हैंडेड सॉल्व के लिए बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उसमें आपको क्यूब रोटेशन ज्यादा नहीं करने होते हैं. और ओल्ड पॉकमैन ब्लाइंड फोल्ड के लिए यूज किया जाता है. तो अगर आपको इनमें से कोई सा भी एक या दो मेथड आते हैं तो आप बाकी के मेथड बहुत आसानी से सीख सकते हैं. तो जब हम स्टार्टिंग में क्यूब को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम यूजुअली एक ही हाथ का यूज करते हैं. तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आप लेफ्ट हैंड से सॉल्व करते हैं, राइट हैंड है तो राइट हैंड से सॉल्व करते हैं, और दूसरे हाथ को सिर्फ क्यूब को होल्ड करने में यूज करते हैं. बट आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप दोनों हाथों का यूज करें, क्योंकि ये चीज आपको स्पीड सॉल्विंग में बहुत हेल्प करती है. तो अगर आपको 3x3 एंड 4x4 क्यूब ऑलरेडी सॉल्व करना आता है तो आप बड़ी से बड़ी क्यूब को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इवन 17x17. इसके अलावा जो इस कैटेगरी की और पजल्स होती हैं, लाइक एनी ट्विस्टी एंड शेप शिफ्टर पजल्स, मास्टर मॉर्फिक्स, पिरामिड्स, मेगा मिक्स, पोस्ट क्यूब, स्क्वायर वन, जो भी हैं, वो सब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का बेसिक फंडा सेम होता है. ऑनेस्टली मैंने सिर्फ 3x3, स्क्वायर वन एंड मास्टर मॉर्फिक्स, इन तीन पजल्स के लिए वीडियोस देखे थे, ब्लॉग्स पढ़े थे. बस एक 4x4 की पैरिटी के लिए मैंने और वीडियोस देखे थे, बट उसके अलावा जो भी पजल्स मेरे पास हैं वो मैंने खुद से एक्सप्लोर करके सीखे थे. ऑफ कोर्स इट टेक्स अ व्हाइल, बट बहुत मजा आता है अगर आप उसको खुद से एक्सप्लोर करके और खुद से सीखते हैं. तो सो दिस वन इज रियली इम्पॉर्टेंट, एडवांस मेथड एंड जीरोइंग मेथड. इस तरह कोई चीज नहीं होती. जीरोइंग मेथड के बारे में तो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी, पर फिलहाल के लिए एडवांस इज बेसिकली जब आप स्पीड सॉल्विंग में जाते हैं तो आप अपने हर एक मूव को कितना एडवांस में प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इज एडवांस. सो देयर इज नो मेथड एज सच जो कि सिखाया जा सके, बट ऑफ कोर्स स्पीड सॉल्विंग में आप एडवांस अपने मूव्स को किस तरह से प्लान कर सकते हैं, उसकी क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, वो जरूर बताई जा सकती है. अगर आपके क्यूब का कोई भी एक कॉर्नर पीस ऐसे ट्विस्ट है आपके पूरे क्यूब सॉल्व होने के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस क्यूब को गलत सॉल्व किया है या बताने वाले ने कोई गलत मेथड बताया है. इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है क्यूब को सॉल्व करते समय वो कॉर्नर पीस आपसे गलती से ट्विस्ट हो गया हो, जिसको आप मैन्युअली वापस ट्विस्ट करके ऐसे फिक्स कर सकते हैं. अगर आपको फिलिक्स एम्बिक्स का वो कॉम्पिटिशन याद हो जिसमें वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए थे क्योंकि उनकी क्यूब DNF थी, उसमें भी यही हुआ था कि उनके कॉर्नर का ये जो एक कॉर्नर पीस है वो ट्विस्टेड रह गया था. सो इट कैन हैपन विद एनीबडी. हो सकते हैं कि आप में से ये चीज ऑलरेडी बहुत लोगों को पता हो, पर एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ कुछ दिन पहले, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू. एक्चुअली आई वाज ल्यूबिंग दिस क्यूब, तो मेरी मॉम बोली कि ये क्यूब टूट के वापस जुड़ भी जाती है. सो यस गाइस, अगर आपकी क्यूब का कोई एक पीस, दो पीस, पांच पीस, दस पीस, पंद्रह पीस निकल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्यूब टूट गई है. मतलब होता है ना कभी हाथ से क्यूब गिर जाए, कुछ पीसेस निकल जाते हैं, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स नॉट ब्रोकन, आप इसको वापस से असेंबल कर सकते हैं. आपको पता है एज अ बिगनर जब हम क्यूब को सॉल्व करना शुरू करते हैं सी फॉक मेथड से या बिगनर मेथड से, तो हमारा जो पहला स्टेप है क्रॉस, उसको करने में हम करीब 12 से 14 मूव्स लगाते हैं तब हमारा ये क्रॉस कंप्लीट होता है. बट इट्स सेड कि स्पीड सॉल्विंग में एक क्रॉस सिर्फ 6 से 8 मूव्स में कंप्लीट किया जा सकता है, मैक्सिमम 8 मूव्स, एंड दैट्स रियली ऑसम, राइट? तो मुझे लगता है कि हमें स्टार्टिंग से स्पीड सॉल्विंग यानी कि ये 8 मूव में क्रॉस बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. So in the last, most important thing for speed cubing is the practice. आप जितना ज्यादा practice करेंगे उतना efficiently कम time में आप इस cube को solve कर सकते हैं. Practice makes a man perfect.
एंड अ वुमन इन लीड. सॉरी, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में ये लाइन बोली थी तो मेरे को हैशटैग फेमिनिज्म के कमेंट आ गए थे. सो यस, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट. तो आई वुड सजेस्ट कि एज अ बिगनर अगर आप स्पीड सॉल्विंग में जाना चाहते हैं, अपनी क्यूब को फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 2-3 घंटे की डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए. अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो 4-5 घंटे भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की. Alright guys, so that's it. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. और हाँ, actually मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इंडिया से कुछ क्यूब्स ऑर्डर करूँ, तो मुझे आपके सजेशंस चाहिए कि आप जो क्यूब्स की चाहते हैं कि मैं उनकी अनबॉक्सिंग करूँ, उनके रिव्यूज आपके साथ शेयर करूँ, या फिर इंडियन क्यूबर्स के बीच में कौन सी क्यूब्स ज़्यादा पॉपुलर हैं, या कम नाम में थोड़ी ज़्यादा अच्छी क्यूब्स जो अवेलेबल हैं इंडिया में, प्लीज़ उनके नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे सजेस्ट कीजिए. मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो क्यूब्स ऑर्डर करूँ और फिर उनकी अनबॉक्सिंग और उनकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज आपके साथ शेयर कर. ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए. अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी या.